नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रिंकू यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस ऑन एंड स्टडी चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने का ख्याल रखे होंगे। आज मैं आप लोग सामने स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसकी हम सही आंसर की बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं तो हम इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अब उड़ीसा से जुड़ी हम कुछ और बातों को ध्यान करेंगे, जैसे उड़ीसा से और रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे करंट की क्वेश्चन मतलब स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। वंदे कल जननी यहाँ का राजकीय गीत है। स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। वंदे वत्कल जननी यहाँ का राजकीय गीत है, जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। उड़ीसा में ही नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ही नल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। उड़ीसा में नेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो उसके नाम में उड़ीसा ही आता है। मणिपुर की बात करेंगे हम, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी उड़ीसा में बनाया जा रहा है, बिरजू भाई कैंपस उड़ीसा में ही राउरकेला स्टील प्लांट भी स्थित है। राउरकेला यहाँ लिख देता हूँ मैं, राउरकेला स्टील प्लांट भी स्थित है। यहाँ तक की बातों को नोट करेंगे। हमने क्वेश्चन पूछा था गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर उड़ीसा, लेकिन चर्चा में क्यों है? देखिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे और भी टर्टल पाए जाते थे, एक तरह के समुद्री केचुए पाए जाते थे, जो जिनका हाल ही में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार किया गया, इसलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। उससे रिलेटेड कुछ बातों को हम ध्यान करें। जैसे अप्रैल की उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। वंदे उत्कल जननी यहाँ का राजकीय गीत है, जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा के चिल्का झील के तट पर स्थित है। ये झील पूरी की मतलब इसमें ज़्यादातर वाइट बर्ड्स पाए जाते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट जो भी उड़ीसा में स्थित है, ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। चलिए कहाँ गया भैया, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़,
ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे, उड़ीसा। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो कि नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर पूर्णता सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि भारत का कौन सा मंदिर है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, तो आप सीधा करेक्शन करेंगे, सूर्य मंदिर जो कि नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था, और ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, और इसी के जस्ट बराबर में काली जाई टेम्पल की भी स्थापित है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम, टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसे, सोया स्टेट भी बोलते हैं इसे। नदियों का माइका भी बोलते हैं इसे। कर्नाटक की बात करेंगे हम, कर्नाटक में बनेर खट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक का बनेर खट्टा उद्यान चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाथियों की हिफाजत के लिए संरक्षण दिया जाएगा और उनके पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जिससे हाथियों की संख्या में वृद्धि हो सके। बनेर खट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में भी एक जोग जलपात स्थित है, जोग जलप्रपात। यहाँ सभी बातों को नोट करते चलेंगे। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा। अब उड़ीसा स्थापना किसने की, नरसिंह देव बर्मन द्वारा बनाया गया। यह मंदिर पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, नदियों का मायका, और सबसे ज़्यादा दालें उत्पादन में भी MP का प्रथम स्थान है, फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ तक की बातों को नोट करेंगे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 9, बेबनाडा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। बेबनाडा झील, अब बेबनाडा झील के बारे में बात करेंगे। यह झील पूर्व केरल में स्थित है। इसी झील में इडुक्की रेस बोलते हैं ना, रेस मतलब जैसे इस तरह की रेस करते हैं हम लोग गाँव में, कॉम्पिटिशन होता है, आर्मी की कॉम्पिटिशन रेस करते हैं, इसी में ही होती है इडुक्की रेस। और इसी रेस का दूसरा नाम नेहरू बोट रेस भी है। पहले इसका ऑप्शन क्लिक करेंगे हम, MP, और इसी नेहरू बोट रेस ये बेबनाडा झील के अंदर ही होती है। और बेबनाडा झील भारत की सबसे लंबी झील है। इस रेस में होता क्या है कि दो नाव को नदी के समांतर रख दिया जाता है, उसमें फिर 11 आदमी एक नाव में, 11 आदमी इस नाव एक उसमें, और फिर इनमें कंपटीशन होता है आपस में, जैसे कि रेस होता है एक तट से दूसरे नदी के एक तट से दूसरे तट जाने में, और जो जो लोग जीतते हैं उन्हें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है।
और केरल में ही वोट मंडी अभियान भी हाल ही में चालू किया गया, अभियान भी चालू किया गया केरल की ही रेशमा मरियम, जो कि सबसे युवा पंचायत की अध्यक्ष बनी है, युवा पंचायत की अध्यक्ष बनी है, की अध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष अध्यक्ष बनी है। और हम केरल की बात करेंगे, इडुक्की झील, इडुक्की पेरियार झील भी केरल में ही स्थित है। ठीक है, यहां तक की बातों को नोट करेंगे। वेम्बनाड झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, क्यों जानी जाती है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें नेहरू बोट रेस होती है। भारत की सबसे लंबी झील है वोट मंडी अभियान, वो जो हाल ही में केरल में चालू किया था चुनाव के टाइम। और रेशमा मरियम, जो पंचायत की पहली महिला अध्यक्ष हैं, युवा पंचायत की अध्यक्ष। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे हम क्या नाम है, नल सरोम सरोम की स्थापना की गई है, स्थापना नल सरोम क्या है, इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से जो लुप्त हो चुके प्रजाति, जो पक्षी पाए जाते हैं, उनको लाके इसी मतलब सेंचुरी में रखा जाएगा। एक तरह की सेंचुरी है जहाँ की उनको संकट ग्रस्त जो प्रजाति है उनको लाके इसमें रखा जाएगा, और उनके प्रजनन को बढ़ावा देकर उनकी संख्या को दुगना किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकंड बस मिटो लूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दिसंबर 2020 में टेस्ला के वर्तमान सीईओ कौन है? क्वेश्चन पुराना है लेकिन है बहुत चर्चा में। जैक मास्क, बिल गेट, वॉरेन बफेट और एलन मस्क। तो अब इसके सही आंसर है एलन मस्क। कौन? टेस्ला के सीईओ। इसकी वर्तमान एक इकाई बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्ला की एक और इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है, की स्थापना की जा रही है। ठीक है, बिल गेट्स की बात करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है, टेस्ला के एलन मस्क, इसकी एक कंपनी वहां स्थापित कर, बेंगलुरु में एक इकाई स्थापित की जा रही है जिससे कि उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। और बेंगलुरु से, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में, 1975 में। यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे, चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड,
चलिए हम नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन अलग से पढ़ लेते हैं, पीडीएफ आ नहीं रही। सतकोसिया सतकोसिया टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व भोरम देव भोरम भोरम देव टाइगर रिजर्व अब बात करेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैक पैंथर जिसे बोलते काला तेंदुआ देखा, वो भी काला इसी देखा गया है। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें टाइगर की TX2 टाइगर की संख्या दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई। वर्तमान में कितने टाइगर हैं? 2967। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। आप कुछ जानते हैं कि टाइगरों का भारी मात्रा में शिकार किया गया था, जो कि राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि देहरादून में स्थित, वहाँ से एक हर साल रिपोर्ट निकलती है जिसके अनुसार भारत में वर्तमान टाइगर 2967 है। भोरम देव टाइगर रिजर्व ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है, नवीनतम टाइगर नवीनतम टाइगर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ऑप्शन आप किसको टिक करेंगे? भोरम देव टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ की एक महिला डांसर का निधन हो गया है जिसका नाम तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ की थी, और कौन सा नृत्य करती थी? पांडवानी नृत्य करती थी। और हम बात करेंगे महातारी योजना भी छत्तीसगढ़ की है। इसके अंदर क्या करा जाएगा? जो भी हाल में कोरोना से जो पीड़ित लोग जिनसे जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार वालों की मदद की जाएगी, उन्हें उनकी शिक्षा दी जाएगी, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये छत्तीसगढ़ की योजना है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि महातारी योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? आप सीधा ऑप्शन टिक करेंगे छत्तीसगढ़। और कुछ और हम कुछ बात करेंगे छत्तीसगढ़ का गांधी किसे बोलते हैं? धर्मपाल सैनी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा कि हाल में ही जो छत्तीसगढ़ में क्या आतंकी हमला हुआ था उसके अंदर सीआरपीएफ के एक जवान को वो लोग अपने साथ बंदी बना के ले गए थे, तो उन जवान को छुड़ाने के लिए जो मध्यस्थता की गई थी, मतलब जो उनके बीच में वार्तालाप की गई थी, वो इन्होंने की थी, धर्मपाल सैनी ने, जो कि एक पेशे से एक पत्रकार हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे बोलते हैं? धर्मपाल सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कलर चेंज कर लेते हैं यार। बात करेंगे हम अंकुर योजना
स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, प्यार का पौधा, पौधा अभियान, ये तीन क्वेश्चन है। अंकुर योजना का संबंध किससे है? एमपी से। क्यों चर्चा में? क्योंकि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सबसे अधिक किस राज्य में वृक्ष हैं, तो ऑप्शन लगाएंगे आप एमपी। लेकिन अगर पूछा जाए प्रतिशत में, तो आप ऑप्शन लगाएंगे मेघालय। तो अंकुर योजना का संबंध एमपी से है। एमपी का आपने अभी मैंने बताया था कि आबू शहर चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस शहर को खुशियों का शहर कहा जाता है। अबू शहर, टाइगर स्टेट के नाम से भी एमपी को जान जाता है। एमपी में सर्वाधिक प्रोटीन दालें पाई जाती हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्शन सबसे ज़्यादा दालें कहाँ, प्रोटीन दालें कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन देगा उत्तर प्रदेश, और बी ऑप्शन बी दे देगा मणिपुर, ऑप्शन सी दे देगा एमपी, ऑप्शन डी दे देगा हरियाणा। तो हमें ऑप्शन सीधा टिक करना है एमपी, ठीक है। और हम बात करेंगे टॉय जे स्टिक क्या है। ये एक, जैसे कि आपने सुना होगा, क्या नाम है किसे, अभी हाल फिलहाल में ही टॉय जो स्टिक हाल फिलहाल में इनको वो दिया गया, दर्जा दिया गया नवंबर 2021 में उत्पादन के लिए इन्हें विशेष दर्जा दिया गया। ये टॉय स्टिक क्या है? बच्चे जैसे कांच की चीज होती है ना, ऐसे खेलते हैं, उस बच्चे ऐसे करते हैं, वही जो टॉय स्टिक, इसको दर्जा दिया गया हाल में ही। जैसे कि 2003 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग टी। ये दर्जा विशेष दिया जाता है, 10 साल का इनका बैनर होता है, 10 साल के लिए इनको अप्रूवल दिया जाता है कि अपना सामान आप विदेशों में बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कारीगर लोग उनके हुनर को मजबूती मिलेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। स्वामित्व योजना की बात करेंगे, अप्रैल 2020 चर्चा में क्यों है? क्योंकि स्वामित्व योजना के अंदर जो लोग गरीब हैं उनके लिए एक स्वामित्व कार्ड बनाया जाएगा। जैसे किसी के किसी का स्वामित्व कार्ड बन गया है, तो उनकी जैसे सिस्टर या कोई मतलब लड़की या पुत्री, उनकी शादी वगैरह में इस स्वामित्व योजना के द्वारा बहुत मदद मिलेगी। बारी पास करने के उपरांत 50,000 रुपये इसकी सरकार देगी। प्यार का पौधा नामक अभियान जो कि बिहार द्वारा चलाया गया था। यहाँ तक की बातों को नोट करेंगे। अंकुर योजना का संबंध एमपी से है। स्वामित्व योजना का संबंध अप्रैल 2020 में लागू हुई, क्यों लागू हुई मैंने बता दिया आप लोगों को। और प्यार का पौधा नामक अभियान बिहार राज्य द्वारा चलाया गया। बिहार में ही कंवर झील क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस पे लोगों ने अधिक्रमण कर लिया है, लोगों ने यहाँ पे अपनी घर बना लिए इस झील के ऊपर, जबकि ये झील यूनेस्को द्वारा संचालित, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में आ चुकी है, यूनेस्को की देखरेख में अतिक्रमण ने बोध गया। इस स्थान से सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी लोग इस स्थान के बारे में जानते होंगे कि गौतम बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्यार का पौधा नामक अभियान बिहार द्वारा चालू किया गया था। कंवर झील यूनेस्को द्वारा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया इसका, और बोध गया बिहार में, ठीक है। यहाँ तक की बातों को नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे,
संजीवनी योजना, यह सभी योजना पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी योजना को करीब कि कोई योजना को 5 साल होने वाले हैं, किसी को 2 साल पूरे होने वाले हैं, किसी को 4 साल पूरे होने वाले हैं। चिरंजीवी योजना, पहले हम बात करेंगे संजीवनी योजना, ये कहां से चालू की गई? हरियाणा, जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने चालू की थी, हमारे पीएम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चिरंजीवी योजना की बात करेंगे, राजस्थान। अब इस योजना में क्या होगा, चिरंजीवी योजना क्यों चालू करी गई है? मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं और एक आदमी की सरकारी नौकरी है, तो पांचों को भोजन मुहैया करा रहा है। अब क्या किया जाएगा कि जिस परिवार में एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में होगा, उसको इस योजना के थ्रू कुछ विशेष छूट दी जाएगी। नक्की झील राजस्थान में ही है। चर्चा में क्यों है? इस झील में अभी जो वाइट सारस होते हैं ना, सारस, उनकी भारी मात्रा में मृत्यु हो गई। क्यों? किसी कंपनी के जो हाइड्रो प्लांट होता है उसका मतलब कचरा उसमें जाता था, तो काफ़ी जो सारस साइबेरियन पक्षी होते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी इस झील में। वो इस झील में प्रजनन के लिए आते हैं, उनकी काफ़ी मृत्यु हो गई थी इस झील में। ग्रेट बस्टर्ड पक्षी, ये राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि राजस्थान में सौर पवन ऊर्जा का कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, उसके कारण क्या होता है कि वो लोग जब पोल या कुछ गाड़ते हैं जमीन में, तारों को नीचे मतलब बिछाते चले जाते हैं, उसके द्वारा इनको करंट लग जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, तो इनकी भी भारी मात्रा में मृत्यु हुई है। अभी हाल में सरकार की चर्चा में बने हुए थे, तो सरकार ने इन पर रोक लगा दी है। केवला देव भरतपुर में स्थित है। रणथंबोर ये भी राजस्थान के, और राजस्थान में हाल में ही रामधारी एक नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, जो कि बूंदी राजस्थान के अंदर स्थित है, रामधारी बिशधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसे नवीनतम टाइगर रिजर्व अभी अनुमति नहीं मिली, लेकिन अभी चर्चा में है, बना हुआ है, इसका मतलब स्थापना करने की सरकार ने घोषणा कर दी है इसकी। संजीवनी योजना हरियाणा, और हरियाणा में क्यों चालू की गई अभी मैंने बताया आपको। अब बेटी बचाओ करनाल से शुरू करी गई थी, हरियाणा करनाल से। चिरंजीवी योजना राजस्थान का संबंध है, नक्की झील राजस्थान से, ग्रैंड बस्टर राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, रणथंबोर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। और मैं आपको बताता हूँ, झीलों का देश कहा जाता है उदयपुर को, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसलिए राजस्थान को झीलों का देश भी कई बार कहा जाता है। उदयपुर, इसको आप देश नहीं राज्य लिखिए, राज्य। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। संजीवनी योजना हरियाणा, झीलों का राज्य उदयपुर, बहुत सारी झीलें, बहुत सारी अनगिनत, कितने फिल्मों की वहाँ शूटिंग होती है डे बाय डे। माउंट अबू का नाम तो सभी ने सुना होगा,
माउंट अबू। अरे दिलवाड़ा का मंदिर माउंट अबू बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर जो कि बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। बिमल शाह द्वारा बनवाया गया। माउंट आबू राजस्थान में एक टूरिस्ट पैलेस भी है, लोग अधिकतर यहाँ घूमने जाते हैं। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह किला। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, सवाई जय सिंह किला भारत के किस राज्य में स्थित है? सीधा आप टिक करेंगे राजस्थान। और ये बात तो सभी जानते हो कि भारत का सबसे क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। हवा महल, हवा। अब मैं आपको बात बताऊं, अभी हाल ही में शायद दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। इससे आप लगा सकते कितना तगड़ा कंपटीशन है। उसने ये पूछ लिया कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, तो अब मैं बता रहा हूं आपको, 953, 953 खिड़कियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और इसकी प्रथम जो मंजिल है, प्रथम मंजिल को रतन महल कहा जाता है। रतन महल, रतन रतन महल। हवा महल में 953 खिड़कियां, प्रथम मंजिल को रतन महल कहा जाता है। उसके ऊपर से ऊपर एक बाई एक एक देव रानियों के नाम से वो मंजिलों के नाम लिखा गया। और यहाँ पे ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम और बात करेंगे, लाल तूर और सहतूत। सहतूत ये मैं कोई खाने वाले फल का नाम नहीं लिख रहा, ये दो बांध है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित है। चर्चा में क्यों है कि ये भारत द्वारा निर्मित किए गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जानते हैं आपकी, जो अभी हाल ही में हुआ तालिबान के कब्जा कर लिया, तो वहां स्थित है ये। वार ऑफ फील्ड, अभी वार ऑफ फील्ड क्या है, क्या हुआ जब अफगानिस्तान ने तालिबान में कब्जा करा, तो इस जगह से लोगों ने सबसे पहले मुहिम इसी जगह से शुरू की। वार ऑफ फील्ड बोलते हैं इसे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की अफगानिस्तान 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 में ही अल सब मंजिल स्थित है। ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि आपने वो क्या नाम कुतुब मीनार दिल्ली में देखा हो, सेम टू सेम उसी की नकल ये अफगानिस्तान में, एकदम सेम टू सेम उसी की नकल। ऊंचाई कितनी है, 187 सेंटीमीटर, जो कि केवड़िया गुजरात से भी 5 ज़्यादा है। केवड़िया गुजरात पता होगा आपको, केवड़िया, केवड़िया गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लोहा पुरुष कहा जाता है। इनके वास्तुकार कौन थे, राम सुतार, जो कि साधु बेर बेर द्वीप पर
है, इनकी ऊंचाई कितनी है, 182 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक की बात कर, लाल लाल तूर और सैतूत बुंद भारत ने अफगानिस्तान में बनाए, जो कि एक शांति या कांग्रेस का प्रतीक है। केवड़िया गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति 182 सेंटीमीटर, और अफगानिस्तान में जो भारत में दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसी की तर्ज पर बनाया गया ये अल सब मंजिल, एक डिट्टो नकल इसे कहा जाता है। राम सुतार सरदार वल्लभ भाई पटेल साधुवीर द्वीप 182 सेंटीमीटर, कहाँ है, केवड़िया गुजरात, जो केवड़िया जिला है गुजरात का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा, जैसा भी लगा अच्छा लगा बुरा लगा एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय हिंद।